हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। इस तरह से आप लोग को बताया था कि RRB NTPC का जो एडमिट कार्ड है उसका स्टेटस आज ही रिलीज़ होने वाला है। तो जिस तरह से मैंने बताया था कि 21:45 अकॉर्डिंग टू रेलवे टाइम, लेकिन हाँ भाई अप्रॉक्स 9:45 पे ये रिलीज़ हो गया। तो RRB NTPC का स्टेटस रिलीज़ हो गया। आप लोग अपनी सिटी, डेट और जो शिफ्ट वो भी शो कर रहा है, और शिफ्ट के साथ साथ उसकी जो टाइमिंग है वो भी शो कर रहा है कि कब एंट्री करनी है, कब गेट ओपन होगा, कब गेट क्लोज़ हो जाएगा। तो मैं आप लोग को सीधे RRB के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह से वहाँ पे चीज़ें शो हो रही हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये स्टेटस के लिंक दिखाए थे मैंने, कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, और इस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड की जगह अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और फिर लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे आपको अपना स्टेटस शो होने लगेगा। तो जैसे ही मैंने अपनी डिटेल्स डाली तो यहाँ पे मुझे डेट ऑफ एग्ज़ाम और ये उपस्थित होने का समय, शिफ्ट, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम, गेट क्लोजर टाइम और डेट ऑफ एग्ज़ाम स्टार्ट की टाइमिंग दिखाने लगा। और ये जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो मैं आप लोग को पढ़कर दिखा देता हूँ कि ये ई कॉल लेटर नहीं है, ये आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देती है। ये केवल आपको परीक्षा में शहर एवं दिनांक की जानकारी यथावस्था देती है, तथा आप अपने संदर्भ के लिए इस सूचना को डाउनलोड और मुद्रित कर सकते हैं, मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। आप अपनी परीक्षा की तिथि से 4 दिन पहले अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे, मतलब 4 दिन पहले ही आपको क्या मिलेगा, कम्प्लीट एडमिट कार्ड, जिसमें परीक्षा के वितरण, रोल नंबर इत्यादि जैसी सभी आवश्यक जानकारियाँ शामिल होंगी। इसमें आपको ई कॉल लेटर के आधार पर परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी, जो आपके लिए वैलिड एडमिट कार्ड माना होगा, मान्य होगा। इसी तरह आप हमारे साथ RRB NTPC की अपडेट के लिए जुड़े रहें। थैंक्स फॉर एवरीवन वाचिंग।